हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत ना शाम के 3 बजे से हो रही है। तो अभी मैं और मेरी ननद जा रहे हैं, कल वट सावित्री का व्रत है तो उसका सामान लेने के जा रहे हैं, मतलब पूजा का सामान लेने के लिए। और हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, तो अभी फटाफट चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको मार्केट में। मेरी ननद से रोड पार नहीं हो रही है, कितना डर रही है देखो। तो गाइज, मैं आई हूँ सविता दी के पार्लर में और मैंने एक थ्रेडिंग बनाई और मेरी ननद ने भी बना ली है। उन्हें ना थोड़ा दो मुही बाल हुए थे तो बालों को थोड़ा सही किया। गाइज, यहाँ पे ननद जी अपने दो मुही बालों का इलाज कर रही है और ये हमारी सविता दी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि कल रहते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। गाइज, सभी दुकानों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई है, पूरे मार्केट में ना लेडीज ही लेडीज़ है। गैस भैया की दुकान में आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है ना, ये ऐसे रेट बढ़ा रहे हैं क्या बताओ। 30 की पायल 80 में दे रहे हैं ये। गोलगप्पे भी कैसे खाएंगे, यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। अब हम ऐसे ही जाएंगे घर को। गैस, मैं ना पतिदेव के लिए अपनी फेवरेट जगह से रसमलाई लेके जा रही हूँ और मैंने अपनी फेवरेट जगह से ना उनके लिए कुरकुरे मोमोज भी लिए, क्योंकि जब वो मार्केट आते हैं ना मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो आज मैं आई हूँ, मेरे खाने जैसा तो है नहीं क्योंकि कल हमारा व्रत है तो अभी कुछ खा नहीं सकते ना। तो मैं पतिदेव के लिए यहाँ से लेके जा रही हूँ, तो फटाफट लेते हैं और फिर घर को चलते हैं। सच्ची में देर हो गई, खतरनाक तूफान आ गया, ये देखो सारा सामान सबका ऐसे गिर गया है। बहुत मुश्किल से आए हम। तो गाइज, हम भीगते भीगते ना घर पहुंच चुके हैं और स्कूटी चलाने में यार इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि पूरी रोड में पानी पानी हुआ था। मैं तो फिर भी कम भीगी हूँ, मेरी ननद यार बहुत ज़्यादा भीग गई है बेचारी। एक तो पीछे बैठी थी और वहाँ भी दुकान में रुकी थी ना, तो भीग ही गए थे मतलब बहुत। अभी तो मौसम साफ हो गया है और घर से भी ना फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, मतलब बच्चे उड़ गए हैं घर के, भूख वूख लगी होगी ना। वैसे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मतलब आधा घंटा उससे थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, हम मतलब हमारा काम हो ही गया था। मैं नीचे जाती हूँ और चाय वाय बनाते हैं। गाइस, पतिदेव खाने लग गए हैं, कैसे हो रहे हैं मेरे फेवरेट? अच्छे हो रहे हैं। और मैं इनके लिए ना रसमलाई भी ले के आई हूँ। तो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 7:30 और मैंने ना एक सब्जी बना के तो इसमें रख ली है, इसमें तोरे की सब्जी बना के रख ली है। अब मैं बना रही हूँ दूसरी सब्जी करेले की। कल मेरे पतिदेव चले जा रहे हैं तो ना सुबह फिर नाश्ता बनाने में ना टाइम लग जाता है, तो मैं ये सब्जी अभी बना दे रही हूँ करेले की। और फिर इसके बाद मुझे एक और सब्ज़ी बनानी है सिंपल आलू की, क्योंकि कल वट सावित्री का मेरा और मेरी ननद का व्रत रहेगा ना, तो हम दोनों बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बनाएंगे। तो तीन तीन तो सब्जी ही बनानी है और आटा गूंथ के रख दिया है मैंने। अभी मैं ना अपने पतिदेव के साथ बैठी हूँ क्योंकि यार आज लास्ट दिन हम साथ में खाना खाएँगे, फिर पता नहीं कब खाएँगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ रूम पे, अभी ना खाना नहीं खाया है मैंने, अभी खाऊंगी थोड़ी देर में। तो पतिदेव की ना पैकिंग चल रही थी तो मैं वही सब कर रही हूँ, बाकी तो इनने सब कर ही लिया है, बस मैं बचा कुचा थोड़ा सा रख रही हूँ। तो फटाफट पैकिंग करते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। तो गाइस, पैकिंग करके आ गई हूँ मैं और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, सब चले गए सोने के लिए। मम्मी ना कल के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब इनको ये लोग मतलब पहले से त्यौहार व्यौहार ही लेके जाते हैं, जैसे पतिदेव को ना शॉली और माड़े यही सब पसंद है, तो कल सुबह मैं उनके लिए माड़े बनाऊँगी। मम्मी ने उसके लिए ना अभी से पूरा मतलब जो भी मसाला होता है वो सब तैयार कर दिया है। तो फिलहाल पैकिंग सब हो गई है और कल मेरा व्रत भी है, तो यार मतलब मैं आज पहली बार मतलब कल मैं पहली बार लूँगी व्रत, पर उसी में ना मेरे पति घर आने के बावजूद भी घर पे नहीं होंगे, तो यार
अब सारी चीज़ें तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, हो नहीं सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं कल सुबह कोशिश करूँगी, मैं जल्दी उठूँगी, मतलब नहा धो के पूजा वूजा करके पतिदेव की पहले पूजा कर लूँगी। कोई बात नहीं, शाम को नहीं होंगे साथ में तो सुबह ही मैं पूजा कर लूँगी। तो मैं आ गई हूँ खाना खा के रूम पे, और पैकिंग भी हो ही गई है फ़िलहाल पूरी, बाकी का बचा कुचा ना सुबह रख लेंगे। तो आज यार मेहंदी भी लगानी हुई, तो फिर मैंने बोला पतिदेव से कि आप ही लगा दो करके ना, जैसी भी आती है। तो वो अभी मेरे लिए मेहंदी ढूंढ रहे हैं, ये देखो थोड़ी सी मतलब खाली, फिर अभी आए हैं तो फिर लगा देंगे ना। मेरे से तो मतलब होती भी नहीं है, मेरे को लगानी आती भी नहीं है, ये जैसी भी लगाएंगे ना मेरे लिए वो बहुत अच्छी होगी। तो अभी देखो कैसे लगाते हैं। तो गाइस ये रही मेरे पतिदेव ने जो मेहंदी लगाई है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगाई है यार, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अब इसका कलर देखते हैं कि सुबह कैसा आता है करके, और ना अभी लाइट भी चली गई है तो ज़्यादा मैं नहीं लगा पाऊँगी अभी, और सुबह हमें उठना भी है, पतिदेव सुबह सुबह चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, अब दूसरा ब्लॉग आएगा इनके जाने का। तो बाय बाय, गुड नाइट।